हरिओम आप सभी को दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ योगिनी शिखा और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवा योग में। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ा हुआ लेवल होता है उसको आप कैसे कम कर सकते हैं कुछ अपनी हैबिट्स को चेंज कर कुछ फूड्स को आपको छोड़ना है और कुछ को अपनाना है जिसके कारण आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो एकदम कंट्रोल में आ जाएगा। तो देखते हैं, आजकल हम बहुत ही ये कॉमन हो गया है कि जिन भी लोगों को देखो उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको ऐसे फूड्स लेने हैं जिनमें ओमेगा थ्री रहता है। जी हाँ, जिनमें ओमेगा थ्री रहता है। तो लाइक जैसे कि अलसी के जो बीज होते हैं उनका सेवन आप कीजिए, अखरोट का सेवन कीजिए, साथ ही एवोकाडो एक फ्रूट्स होता है उसका भी आपको सेवन करना है। तो इसमें काफ़ी अच्छा ओमेगा थ्री रहता है। इसके सेवन से क्या होगा, आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो मेनटेन होगा, उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर आप इन चीज़ों का अगर आप सेवन करते हैं मॉर्निंग में करेंगे तो बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। साथ ही इसमें सेकंड क्या होता है, आपको ऐसी डाइट लेनी है जो कि आपको ऐसी डाइट लेनी है कि जो फाइबर घुलनशील हो, यानी कि लाइक जैसे कि आप ओट्स ले लीजिए, दालें ले लीजिए, साथ ही फ्रूट्स में नाशपाती हो गया, एप्पल हो गया, ये सब आपको इसका सेवन करना है। और बीन्स वगैरह होते हैं इनका भी आपको सेवन करना है। साथ ही इसमें क्या करना है, आपको लो फैट वाला मिल्क लेना है। जी हाँ, जो लो फैट वाला मिल्क होता है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। अदरवाइज़ जो आप लोग मिल्क लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं, वो बहुत ही बड़ा रीज़न होता है आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए। तो मैं तो यही कहूँगी, अगर आप छोड़ सकते हैं मिल्क को, छोड़ सकते हैं दूध से बनी चीज़ों को, छोड़ सकते हैं तो छोड़ दीजिए। अगर लेना बहुत ज़रूरी है तो लो फैट वाला आपको मिल्क लेना है, उस मिल्क से बने आपको प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। साथ ही आपको क्या करना है, आपको जंक फूड्स हो गए, फास्ट जो फूड्स होते हैं वो उसका सेवन आपको नहीं करना है, फ्राइड फूड्स होते हैं उसका भी आपको सेवन नहीं करना है। जी हाँ, आपको घर का बना खाना खाना है और आपको बाहर का ऐसा कुछ भी सेवन नहीं करना है जिसमें ज़्यादा वो डीप फ्राइड हो, ऑयली हो, इस तरह का भोजन आपको नहीं लेना है। और साथ ही क्या करना है, अगर आप कुकिंग करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो अपने भोजन बनाने में जो आप ऑयल यूज़ करेंगे वो वर्जिन कोकोनट ऑयल उसका यूज़ कीजिए। ये आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन रखने में काफ़ी हेल्प करेगा। साथ ही आप मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो शुद्ध होना चाहिए। और साथ ही आपको क्या करना है, दिन में एक बार और इवनिंग में आप कर सकते हैं अर्जुन की चाय लेनी है। जी हाँ, अर्जुन की एक छाल होती है, तो उसकी जो चाय होती है वो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। आपको इवनिंग में, आप दिन में कभी भी ले सकते हैं वैसे, तो अगर इवनिंग में लेंगे तो भी ठीक है। तो उसका चाय का आपको सेवन करना है, वो भी आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प रहती है। तो क्या होती है, हेल्पफुल रहती है। साथ ही आपको क्या करना है कि अपने आपका जो वेट है, आपका जो वज़न है, उसको मेंटेन करके रखना है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, आपको हमेशा ही अपने डेली रूटीन में आपको अपनाना है कि आपको 30 मिनट्स तक रोज़ वॉक करनी है। जी हाँ, जब आप 30 मिनट्स तक वॉक करेंगे तो ये आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है ये उसको कम करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। साथ ही थोड़ा मॉर्निंग में उठ के थोड़ा योगा अभ्यास कीजिए, सूर्य नमस्कार कीजिए, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, ये सब कीजिए। इससे आपको अच्छे, बहुत ही अच्छे फ़ायदे मिलेंगे और आपका जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है वो भी देखेंगे कि बहुत ही मेंटेन हो जाएगा, अपने लेवल पर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आगे आपको ऐसी विशेष जानकारी योग एंड रोग से संबंधित मिलती है। हरिओम।